बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस काशिफ, वेलकम टू द शो। जनाब जिले सुभानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट उन्होंने फरमाया और जोश खिताबत में फरमाया कि अल्लाह के साहब का जो धरना देना चाहते हैं धरना देते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। अब ये स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करने बैठे हम तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है एक लिहाज से देखा जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया, लिहाजा इट स्ट्रेट फॉरवर्डली मीन्स कि भैया तुमको धरने देने धरने दो, तुम्हें आग लगानी है आग लगाओ, मुल्क जलता है जल जाए, हम अपनी करप्शन करते रहेंगे, हम चोरियाँ करते रहेंगे, हम मुल्क को लूटते रहेंगे और फिर मासूम बन के और मजलूम बन के तुम्हारे आगे बैठ जाएंगे। अगर आप इसको और लाइटर नोट लेते हैं तो मियां साहब यूं कहिए कि धमकी दे रहे थे इमरान खान को कि केपी के तुम्हारे हाथ से जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कहने लगे तुम तो सबसे बड़े चोर हो। इमरान खान को उन्होंने फरमाया, कहने लगे 1983 में चोरी की तुमने और 87 में आके नवाज शरीफ से भीख मांगी कि मुझे रहने के लिए, मेरे पास प्लॉट नहीं, मुझे रहने की जगह दे दो। ये मियां नवाज शरीफ की बैंड वैगन में अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब सवार हो गए हैं और जाहिर है ये हमेशा दो कश्तियों में सवार रहते हैं। इस वक्त उनकी एक टांग जरदारी साहब के साथ और एक टांग मियां नवाज शरीफ के साथ है और दोनों के दोनों उनको सपोर्ट करके चल रहे हैं। सवाल ये है कि मियां फजलुर रहमान साहब इस बात को शायद रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर कश्तियाँ जुदा हो गई तो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे हुआ अमर हो जाएगा। बहरहाल नेवरतेलेस मूविंग फॉरवर्ड, खुर्शीद शाह का जो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे पास, अपेरेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हमारे पास कौमी असेंबली के, उन्होंने बड़ी शॉर्ट तकरीर फरमाई श्री मजारी का। कहने लगे श्री मजारी का इसरार था कि आप छोटी तकरीर फरमाइएगा और उन्होंने कहा, कहने लगे भाई 70 निकात अब जो है वो 70 सवाल मियां साहब की तकरीर ने पैदा कर दिए हैं। अब दुबई लीग्स भी खुलेगा और सऊदीया लीग्स भी खुलेगा, जद्दा लीग्स भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस वक्त उन्होंने 70 सवाल की फहरिस्त तैयार कर ली है जो वो शायद पार्लियामेंट में मुतवक्के तौर पे कल शायद पेश फरमाएंगे। अब आ जाए आप थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के एंगल पे। जरदारी साहब ने आज इजलास कॉल किया, इजलास कॉल करके रहमान मलिक साहब को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जनाब आप जो है वो वहाँ पर जाइए और पनामा लीक्स पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, किस किस की ऑफशोर कंपनीज हैं और क्या तमाशा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जरदारी साहब और खुर्शीद शाह मिलकर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, क्योंकि ये बात तय है कि खुर्शीद शाह लीडर ऑफ द अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ जरदारी के बरहूने मिन्नत है। अगर जरदारी साहब ने अपना सपोर्ट खींच लिया तो शायद उनको पीपल्स पार्टी को खड़ा करने को बहुत दूर की बात, पीटीआई भी अपने साथ ना खड़ा करे। बट नेवरतेलेस ये हालात इस वक्त चल रहे हैं, सवाल बहुत सारे जनरेट हो गए हैं लेकिन जवाब किसी के पास कोई नहीं है। लेट्स सी कल का दिन क्या लेकर आता है। मैं आपकी खिदमत में कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कराची में होने वाले कुछ कत्ल के बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह कराची की आवाम को करोड़ों रुपए का रोजाना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका माशी कत्ल भी हो रहा है और कई लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं बहीमाना तौर पर, और ना तो उसकी FIR दर्ज हो रही है और ना उसे कोई एक्नॉलेज कर रहा है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम अपना और अपने अहले खाने का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।